वेलकम बैक गाइस टू द डे ऑफ माय ट्रिप। तो हम लोग खड़े रेलवे स्टेशन पे और हम लोग जा रहे वैष्णो माता। हमारे अंदर ताजुक प्लेटफॉर्म पे ट्रेन, और फिर आपको अंदर की जर्नी बताते हैं पूरा शोर करके। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। और नहीं रुकेंगे और ये सब यहाँ पर सीखने जा रही। तो हम लोग अभी बंदे बाद ट्रैवल कर रहे हैं और हिमांशु। सो हम लोग पहुँच चुके हैं। कहाँ पहुँच चुके हैं सर? पठानकोट के आगे, जम्मू के पीछे। पठानकोट के आगे, जम्मू के पीछे। ये इनकी इनकी है कैलकुलेशन, ये फिलोसफी इनकी है। इनको पता नहीं कहाँ पहुँचे। सो सौरभ, हम लोग का क्या प्लान है भाई, बताइए आप। चेन्नई से आए, आपको देख कैसे लग रहा होगा? आ ही गए भाई, बहुत है। ट्रेन छोड़ दी भाई ने, बस छोड़ दिया, तो फ्लाइट छोड़ते फ्लाइट छोड़ते छोड़ते रह गई। फ्लाइट आपके कैमरे में, मेरे को तो मुझसे बुलवा क्यों रहे हो? तो क्या भाई, करने सेल्फ ऑब्सेस्ड द गाइस, पर पहुंच गए। तो भाई अब बताइए, बताएगा हमारा प्लानर ये है कि कहां से जाना है श्रीनगर तक का। तो ये बताएगा, मेरा असिस्टेंट बताएगा। ठीक है, तो मैं हूं, कुछ बता ही नहीं था। सो गाइस, हम लोग जा रहे हैं पहले बनिहाल, यहाँ से जम्मू, जम्मू से बनिहाल, बनिहाल से श्रीनगर। सो कैसे जाएंगे विक्की बताएगा, उसके बाद तारों के नीचे से भी हो गया। पता सबको है कि हम किसके बारे में बात करें, बस मैं बोलूंगा नहीं, आप कमेंट में बता दीजिए। तो गाइस, हम वहाँ से निकल के सीधा मिली पहली बस बनिहाल के लिए, लेकिन बनिहाल का पता चला कि जब तक हम पहुँचेंगे वहाँ बंद हो जाती हैं ट्रेनें, तो हमें डायरेक्ट श्रीनगर की बस मिली है। तो बहुत सारे टर्न होते हुए हमें जम्मू से जा रहे हैं सीधा श्रीनगर की तरफ, और ये सबसे पहली टनल पड़ती है जो कि सबसे लॉन्गेस्ट टनल है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं खाने, स्टार्ट किया है अभी हमने मंगाई चिकन खाली ग्रेवी, और वो तो देखते हैं कैसा है, वो आपको टेस्ट बताता हूँ। तो सो गाइस, फिर हम वहाँ से खाने आए, क्योंकि हमारे साथ दो वेज लोग भी थे, पर हम दोनों में न वेज में नॉन वेज में, तो उधर भी खाएगा इधर भी खाएगा। सो ये निशु लोग हैं। सो बस हमने खाना खाया, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए मेरे सीधे श्रीनगर की तरफ, क्योंकि हमें रात में 10 बजे से पहले पहुँचना था, क्योंकि हमें होटल वगैरह भी करना था। तो बस हमने ये बनाया, सबसे पहले आप ये व्यू देखिए कितना बेहतरीन हमने पीछे से बनाया हुआ है, और ये हम जम्मू से श्रीनगर वाला जो नया हाईवे बना है वहाँ से। सो बस हम लोग थक हार के पहुँचे सीधा श्रीनगर, हम लोग ऑलमोस्ट 10 बज चुके थे, तो हमें डल लेक के सामने उतारा। आप कभी भी श्रीनगर रहेंगे तो वो डल लेक के सामने ही उतारेगा। तो वेलकम बैक गाइस, तो हम लोग श्रीनगर पहुँचे हैं, चार वाली और हमने रूम अरहर वाली है, और उसके बाद अभी हम आ गए हैं, और फूड्स वगैरह लगी हुई है, और तंदूरी बटर रोटी दो, और यहाँ पे ये लोग रेस्टोरेंट में वेज खाने, जैसे आप लोगों को पता है मैं नॉन वेज नहीं हूँ, तंदूरी रोटी मैं शॉर्ट में पैक करा रहा हूँ, बाकी मैं रेस्टोरेंट कौन सा हवा रोटी दो लगेगा नॉर्मल बटर वाली में। हाँ, प्लेन रोटी एक मिनट रुकी।
सो हमने खाना वाना खा के सीधा पहुंचे अपने होटल में। दिल्ली के पास चूज करने का ऑप्शन नहीं था, पर फिर भी थोड़ा ठीक लग रहा था देखने में होटल। ये गेस्ट हाउस करके था, तो हम गए सीधा अंदर। हमने जाके देखा तो काफ़ी कुछ उसने लगा रखा था। हमने कहा चलो ठीक है, रूम तो अच्छा मिल ही जाएगा। तो बस हम लोग ने सबसे पहले रूम बुक कराया। ये पूरा घर जो आप देख रहे हो ये वुडन पे बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे छतों पे स्लेप नहीं होती, यहाँ पे लकड़ी और टीन का यूज़ करते हैं ताकि बर्फ़ होता है तो वो गिर जाए और बाहर, मतलब आई डोंट नो, जो भी इन्होंने मुझे यही बताया तो मैं वही आपको बता रहा हूँ। सो बस हमें मिला रूम, रूम काफ़ी ठीक ठाक था, बहुत ही नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छा था, लेकिन हमें रात में सोना ही था और हमारे पास कोई ऑप्शन था नहीं ज़्यादा देर ढूंढने का, क्योंकि थके हुए थे इतना। तो बस हमने जल्दी जल्दी रूम लिया और अपने थोड़ी मजाक मस्ती की, फिर उसके बाद हम जल्दी चले गए सोने। तो चलिए इस व्लॉग का एंड मैं यहीं करता हूँ, बाकी आपको मिलता हूँ नेक्स्ट डे ऑफ श्रीनगर से गुरेज वैली के लिए। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।